पाटी के लोग थे वो लोग तो दिहाड़ी मजदूरी ला करके लोगों को घुमाने का काम करते हैं, और मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी दे सकूं। गाड़ी कार कुछ नहीं है साथ में, तो बेरोजगार आदमी के पास में जो संसाधन है उसी में घूम करके प्रचार कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का आपने अगर लाव लश्कर देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि अगर प्रत्याशी आ रहे हैं तो कई गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों कार्यकर्ता और नारेबाजी अलग, पोस्टर बैनर अलग, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे जो अकेले घूम रहे हैं स्कूटी में, उन्हें एक बॉडीगार्ड सरकार की तरफ से दिया गया, क्योंकि प्रत्याशी जो होते हैं उन्हें मिलता है बॉडीगार्ड के साथ अकेले ही स्कूटी में घूमते हैं, प्रचार भी अपने तरीके से कर रहे हैं। आपके साथ कोई साथ में नहीं प्रचार में, कैसे अकेले कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बेरोजगार हूं और बेरोजगारों का साथ देने के लिए लोग जल्दी से एकत्रित नहीं होते हैं, और लेकिन फिर भी मेरी जनता जो है, मेरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो तैयारी करके रखे हैं, कल से पूरी जनता मेरे साथ में घूमेगी। लेकिन आज तक के लोग जो पार्टी के लोग थे वो लोग तो दिहाड़ी मजदूरी ला करके लोगों को घुमाने का काम करते हैं, और मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी दे सकूं, इसलिए तो मैं आज अकेले। जैसे अभी कुछ फ्लैग्स अभी दिख नहीं रहे, सिर्फ सीटी आप गले में टांग के घूम रहे हैं। देखिए, मैं जनता के लिए करने आया हूं, है ना, और ये लोग जो है अपना पेट भरने के लिए और अपना घर भरने के लिए लोग आए हैं, इसलिए ये लोग झंडे में, बैनर में, पोस्टर में और सारे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के साथ, सभी संसाधनों के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग खर्चा कर रहे हैं लाखों करोड़ों में। तो ये लोग चुनाव जीतने के बाद से अरबों कमाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, और मैं अगर जीतूंगा चुनाव तो मैं जनता का घर भरने के लिए, जनता का रोजगार देने के लिए, जनता को काम देने के लिए और जनता को जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और निस्वार्थ तरीके से फ्री में लड़ रहा हूं, और फ्री में मैं चाहूंगा कि जनता मेरा साथ दे ताकि मैं उन्हें ऐसी सुविधाएं दे सकूं कि वो जनता मेरे घर में आए तो मैं उनको पूरे तन मन और धन से उनका साथ दे सकूं। बिल्कुल, तो ये है अली हुसैन सिद्दीकी जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के पब्लिक के बीच में उतरे हैं। अब 7 मई को चुनाव है तो पब्लिक किसे चुनेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये अकेले निकल पड़े हैं अगर चुनाव मैदान में सीटी छाप में। कोमल धनेसर, IBC 24।